तीन लोग शामिल थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रेसिडेंट का सदर के लिए दो उम्मीदवार थे, उमर दराज और हसनैन अब्बास। उमर दराज ने 122 वोट लेके पहली पोजीशन हासिल की है। ये 2023-24 के सेशन के लिए हमारे स्कूल का बच्चा सदर होगा। और इसके साथ जो दूसरा कम्पिटेटर था हसनैन अब्बास, उसने 38 वोट हासिल किया, 38 वोट उसका। दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट जो नायब सदर की सीट थी, उसमें भी हमारे दो उम्मीदवार थे, मोहम्मद रमजान ये बच्चा है, 109 वोट इसने हासिल किए हैं। ये हमारा नायब सदर है 2023-24 का। इसके साथ जो रनर अप है नायब सदर में उम्मीदवार थे फरासुर रहमान, इसने 51 वोट हासिल किए हैं। तीसरा और आखिरी होता था जनरल सेक्रेटरी का, जनरल सेक्रेटरी में भी दो उम्मीदवार थे, अली हमजा ने 110 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद हुसैन जो बच्चा है उसने 49 वोट हासिल किए हैं और वो आज के इस इलेक्शन का रनर अप रहा है जनरल सेक्रेटरी का।